हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा करतार इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम 29 प्रैक्टिस सेट आप लोग को ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आप लोग 29 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट आज का मेरा 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज मैं इसको कवर आउट करूंगा आप लोग के सामने, और इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ रूल्स को भी कवर करते जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है? चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन यानी ये फ्रेंड्स आप लोग के सामने डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो क्या दिया हुआ, अगर आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप लोग देखे होंगे, यानी कल का वीडियो मेरा देखे होंगे, तो आप लोग को पता होगा ये जो क्या है फ्रेंड्स, ये एक आपका स्टेटमेंट है, ये आपका एक स्टेटमेंट है। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक्सक्लामेंट्री सेंटेंस का वाक्य है, इसलिए सैड को हम किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लामाइंड में चेंज कर देंगे। तो नहीं, इसको हम चेंज किस में करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका स्टेटमेंट है, और ये आपका स्टेटमेंट इच्छा को व्यक्त कर रहा है। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि अगर कोई स्टेटमेंट अपनी इच्छा को व्यक्त करता है तो उसमें विश्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विश्ड का प्रयोग करते हैं। ये बात सही है कि ये एक्सक्लामेशन मार्क आप लोग को दिखेगा तो सैड या सैड टू के जगह एक्सक्लामाइंड आएगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट इच्छा को व्यक्त करता है तो उसके साथ विश्ड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉइस से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है? चेंज द वॉइस, दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज। मतलब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हैड टू आया है। अगर आप लोग मेरा रोज वीडियो देखते होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। क्या कह रहा हैड टू आया, यानी एक्टिव वॉइस में जब आप लोग नहीं भी देखते हैं, तो अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग के सामने एक्टिव वॉइस में हैड टू आया रहे, अगर आप लोग के सामने कोई भी क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में हैड टू आया रहे, तो उसका जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके साथ आता हैड प्लस टू प्लस बी, और ये जो वर्ब वन है फ्रेंड्स, ये आपका वी थ्री में चेंज होता है। ये जो वी वन है ये वी थ्री में चेंज होता है। ये रूल आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई एक्टिव वॉइस में हैड टू प्लस वी वन आया रहे, तो उसका जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड का हैड ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, उसके साथ फिर बी लगेगा, और वी वन किस में चेंज हो जाएगा? वी थ्री में चेंज हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिमूवल टू से। क्या कह रहा है? रिमूव को, टू को रिमूव करना है। जब हम टू को रिमूव करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर नहीं होगा, होना चाहिए यही वाला, लेकिन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स? इसलिए नहीं होगा, अगर हम ऑप्शन नंबर टू को राइट करते हैं तो इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स, इसका जो भावार्थ निकलता है वो बदल जाता है। इसलिए इसके जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचुएशन से है, यानी इसमें आपका एक नरेशन का डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क आप लोग को ध्यान से लगाना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा। देखिए कॉमा यहाँ पे सही लगाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ पे भी इन्वर्टेड। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर टू भी तो राइट हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर टू इसलिए राइट नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगाया। ओके, लेकिन पहले क्या होता है, इसका जो रूल होता है फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट नरेशन का सोल्व करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि पहले इंट्रोगेटिव मार्क आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ईट ए हम्बल पाए, मतलब इसका मतलब होता है फ्रेंड्स माफी मांगना। क्या होता है? माफी मांगना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा अपोलोगाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। किसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है? इंट्रिंसिक का। किसका? इंट्रिंसिक का आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रिंसिक का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है आधारभूत। क्या होता है? आधारभूत। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फंडामेंटल। फंडामेंटल का हिंदी भी होता है आधारभूत। और बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का, तो ड्राइव्ड का हिंदी क्या होता है? ड्राइव्ड का हिंदी होता है
प्राप्त करना, और इंसिडेंटल का हिंदी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ये आपको हम कई बार करवा चुके हैं। और अप्रूव्ड का हिंदी क्या होगा फ्रेंड्स, अप्रूव्ड का हिंदी होता है स्वीकृति प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट। क्या है एक्सप्लिसिट? तो एक्सप्लिसिट का सिनोनियम पूछ रहा है फ्रेंड्स। इसका सबसे पहले हम लोग हिंदी जानेंगे कि एक्सप्लिसिट का हिंदी क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट का हिंदी होता है फ्रेंड्स स्पष्ट या फिर स्वाभाविक। क्या होता है? स्पष्ट या फिर स्वाभाविक। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑब्वियस होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट या फिर स्वाभाविक। और हिडन का हिंदी आप लोग को पता होगा, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हिडन का हिंदी क्या होता है। और डाउटफुल का हिंदी क्या होता है फ्रेंड? डाउटफुल का हिंदी होता है संदिग्ध। एंड एम्पल का हिंदी होता है प्रचुर मात्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइएबल। इसका आपको एंटोनियम बताना है फ्रेंड्स, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि लाइएबल का हिंदी क्या होता है। तो लाइएबल का हिंदी होता है जिम्मेवार। और बात कर ले फ्रेंड्स इसका राइट आंसर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कौन सा होगा? इरिस्पॉन्सिबल होगा। इरिस्पॉन्सिबल का हिंदी क्या होता है? गैर जिम्मेवार। लायबल मीन्स जिम्मेवार एंड इरिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेवार। और रिस्पॉन्सिबल आपका लायबल का सिनोनियम हो जाएगा। इरिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल आपका लायबल का सिनोनियम होगा। अगर आई डबल आई आर को काट दे तो रिस्पॉन्सिबल बचेगा और रिस्पॉन्सिबल आपका लायबल का सिनोनियम हो जाएगा। बात कर ले फ्रेंड्स ये तीन ऑप्शंस का हिंदी का, तो बाउंड का हिंदी क्या होता है? बाउंड का हिंदी होता है सीमा। अकाउंटेबल का हिंदी क्या होता है? उत्तरदायी या फिर जिम्मेवार। यानी ये भी आपका लाइएबल का सिनोनियम हो गया, यानी रिस्पॉन्सिबल का सिनोनियम कौन हो गया? अकाउंटेबल भी आपका रिस्पॉन्सिबल का सिनोनियम हो गया। और डिस्टिंक्टिव का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर फोर का हिंदी क्या होगा? अलग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेरिल का एंटोनियम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि पेरिल का हिंदी क्या होता है। तो पेरिल का हिंदी होता है खतरा या फिर परेशानी। क्या होता है? खतरा या फिर परेशानी। तो इसका जो राइट एंटोनियम होगा फ्रेंड्स, इसका राइट एंटोनियम होगा सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा प्रदान करना। बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी का, तो हजार्ड का हिंदी क्या होगा? हजार्ड का हिंदी होता है संकट या जोखिम। एंड कंपलसरी का हिंदी क्या होगा? तो कंपलसरी का हिंदी होता है अनिवार्य। एंड लास्टिंग का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? लास्टिंग का हिंदी होता है टिकाऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमन ईयर्स है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। द सन गिव्स लाइट ओवर द डे नोइर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड द डे आया है, तो द डे अपने साथ ओवर का यूज नहीं करता है। किसका यूज करता है? ड्यूरिंग का यूज करता है। किसका यूज करता है? डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग का यूज करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लवर का क्या बताना है? लवर का आपका फेमिनिन बताना है। तो लवर का फेमिनिन क्या होता है फ्रेंड? लवर का फेमिनिन होता है बिलव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स से है। क्या कह रहा है देख लेते हैं। ही टॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वेयर माई मास्टर। तो यहाँ पे कौन सा राइट सुटेबल वर्ड का यूज होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री एज इफ का प्रयोग होगा। क्या कह रहा है? तुम अगर तुम बात करना चाहते हो यदि वो तुम्हारे मास्टर होते तो। तुम बात करना चाहते अगर तुम वे तुम्हारे मास्टर होते तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द थर्ड चाइल्ड टायर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट एंड द सेकेंड। तो यहाँ पे किसका यूज होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका आउट डू का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मेन केम इन द प्रोटेस्ट। तो ये सभी रूल, ये सभी जितने भी आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये सभी के रिगार्डिंग हम आप लोग को कई बार आप लोग को रूल्स बता दिए हैं। तो हम आप लोग से चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग 18 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स सी कुक्ड आई रोट ए बुक। फिल इन द ब्लैंक्स सी कुक्ड आई रोट ए बुक। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड का फील होगा? तो यहाँ पे भाइल का फील होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फिल इन द ब्लैंक्स हर हेड ऑन हिज शोल्डर। तो यहाँ पे किसका फील होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू का फील होगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब ये मेरा करतार का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स कि अगला बार हम कौन सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, यानी कल से आप लोग अरिहंत का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या फिर एसके पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। जो चाहते हैं फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम वही स्टार्ट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।